To reality is a deeper approach than the usual attempts. जो कोशिश है twisters की या loop quantum reality. ये कहते हैं कि space time असल में structure है ये. हाँ जी बिल्कुल. दोनों में कर रहे हैं. जो twisters का है वो है कि असल में पूरी null waves हैं. उनके जरिए स्पेस टाइम बन जाता है. यानी कि वो स्पेस टाइम को कहते हैं वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, वो पहले वो कंस्ट्रक्ट होगा बाय द फॉलोइंग फोर्सेस. मेरे पास एक नलवे है और एक और जहाँ इंटरसेक्ट करें वो एक पॉइंट आएगा और यहाँ से डायरेक्शन आएगी. अब उसके आगे स्पिन नेटवर्क का आइडिया था पेनरोज का, वो पॉइंट बीच में रखा जाए. ये मेरे पास जो हैं इनकी मैं कलेक्शन एक ले लूँ, हर एक का एंगुलर मोमेंटम है तो मेरे पास एक एंगुलर मोमेंटम का बंडल आ गया, एक और एंगुलर मोमेंटम का बंडल है. मैं इधर से एक एंगुलर मोमेंटम इधर भेजूँ और एक एंगुलर मोमेंटम इधर भेजूँ, नेट रिजल्ट वही हुआ ना. मगर ये एक स्कैटरिंग सी हो गई. हाँ जी. अब ये जब कि स्कैटरिंग हुई है तो मेरे पास इन एंगुलर मोमेंटम एक बढ़ाना एक घटाने का जो कि किया उससे जो असर आएगा, आई कैन रिकंस्ट्रक्ट एंगल्स. एंगुलर मोमेंटम आया, एंगल स्पिन नेटवर्क के जरिए मैं एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ. ठीक है. वही चीज़ लेके जो अश्तकर ने किया है, इट अमाउंट टू द सेम. ये लूप क्वांटम ग्रेविटी जो बन रही है तो दोनों में काफ़ी नस्बत भी है मगर मुख्तलिफ भी है. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लूप क्वांटम ग्रेविटी हो सकती है इस फ्यूचर में कामयाब ग्रेविटी को क्वांटाइज करने में? एक वक्त काफ़ी उम्मीद थी कि ये हो जाए. वक़ार हुसैन ने इस पर काफ़ी इस्तेमाल करके किया भी, अभी भी कर रहे हैं. बड़ी उम्मीद थी कि ये हॉकिंग रेडिएशन ये लूप क्वांटम ग्रेविटी करते हुए जवाब निकालेंगे. उन्होंने कहा था बस एक साल के अंदर, मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था कि इसका जवाब निकालो, क्योंकि कैनोनिकल क्वांटाइजेशन के जरिए ही कर रहे हैं ये लूप क्वांटम ग्रेविटी बनती. तो वो कैनोनिकल क्वांटाइजेशन लगा के वो कहते थे कि आ जाएगा. उनको उम्मीद थी और मुझे उम्मीद थी कि ये हो जाएगा, मगर वो बात को 10 साल से ज़्यादा हो गए. अच्छा, जब मैं कह रहा था ना कि अभी भी कि ये उम्मीद है, मगर जब तक के हो ना जाए मुझे नहीं पता. तुम तो नहीं, बात वही है कि उम्मीद तो थी कि ये हो जाएगा मगर हुआ नहीं. लूप क्वांटम ग्रेविटी से उम्मीद थी. अश्तकर अनफॉर्चुनेटली दूसरे तरह से चले गए, पॉपुलर चीज़ें ज़्यादा और ये जो डीप मसला है उसको बीच में छोड़ दिया. I would wish that he had followed the full thing through with loop quantum reality, कि शायद इसके जरिए एक्चुअल क्वांटम ग्रेविटी. मुझे उम्मीद थी पार्टिकल एंटी पार्टिकल के ट्विस्टर्स के जरिए उम्मीद थी. हमने बहुत सी चीज़ें कर ली ट्विस्टर्स के साथ. शुरू में वी गॉट फाइनाइट थियरी जो कि कोई इंफिनिटी नहीं, नॉर्मलाइजेबल देयरफॉर बाय डेफिनेशन सीधा जवाब आ जाएगा. वो ये चीज़ ऑलरेडी, मगर हमने नहीं कहा कि हमने बड़ा तकरीबन कर, हमने कहा कि इसको आगे यहाँ से करने की ज़रूरत है. अभी तक ये
ہائی انرجی لمٹ میں جواب دے رہا ہے مگر لو انرجی کے لیے نہیں. لو انرجی کے لیے چاہیے وہ نہیں ہو کر رہا ہے ابھی تک. مشکل ہے اور پھر کنوز نے بھی چھوڑ دیا, میں نے بھی چھوڑ دیا, اور بھی جو تھے اس بارے میں نہیں کیا. پھر مجھے امید تھی کہ لوپ کوالٹی ہو جائے ٹوسٹرز, اور اس میں مینیجر سے کہا دیر از اے سملیرٹی. بیسکلی دی آئیڈیا از کہ آپ جب کہ اسپیس ٹائم کو کوانٹائز کرتے ہیں دیر از نتھنگ کلیئر وائی دی اسپیس ٹائم کو بی کوانٹائز. کتنا چھوٹا کتنا بڑا میں کیا کہوں, مگر جب میں اینگولر مومنٹم کہتا ہوں آٹومیٹکلی کوانٹائز. تو اگر میں اینگولر مومنٹم کے کوانٹائزیشن کے استعمال کر کے کوانٹم تھیوری بناؤں تو پھر تو معنی بن جائے. دس از دا بیسک آئیڈیا بوتھ ان کوانٹم گریویٹی اینڈ ان ٹوسٹر, اینڈ اٹ از دیٹ کامن تھنگ. میں جب کہ پی ایچ ڈی شروع کرنے لگا تھا تو میں جہاں اپلائی کرتا تھا وہ کہتے تھے آپ کے کوئی آئیڈیاز ہیں, اور میں کہتا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پارٹیکلز ڈفرینٹ اینگولر مومنٹم لے کے میں اس سے جب کہ کنسٹرکٹ کروں تو مجھے ساری چیزیں اسپیس ٹائم کی ادھر سے مل جائیں. جہاں میں جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ آنا ہے آپ آ کے پی ایچ ڈی کا کام کر دیں, مگر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکے.